अपन ये क्वेश्चन करेंगे अभी, लिखें आप मेरे साथ, रीअरेंज। क्वेश्चन नंबर 23 है, रीअरेंज, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द इवेंट्स, द टाइम ऑफ द इवेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबके समझ में आ जाएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। रीअरेंज, रीअरेंज का मतलब होता है, बताएगा कोई बच्चा, जमाना। रीअरेंज का मतलब क्या होता है, जमाना, है ना। आगे पीछे लिखे हुए होते हैं, उनको क्या है बेटा, उनको सही क्रम में जमाना। रीअरेंज यानी सही क्रम में जमाना। ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यों को, शब्द नहीं वाक्यों को, शब्द को बेटा वर्ड बोलते हैं ना, सेंटेंसेस को बोलते हैं वाक्य को, दिए हुए वाक्यों को हमें क्या करना है, क्रम से जमाना है। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू यानी अनुसार, के अनुसार, द टाइम ऑफ द इवेंट्स, जो घटनाएं हैं उनके टाइम के हिसाब से, ठीक है ना, कौन सी घटना पहले, कौन सी घटना बाद में, ठीक है। अभी थोड़ी देर बुलाते हैं ना, ठीक है, आया समझ में। तो पहला है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट इवेंट है, द लॉयन बिकेम एंग्री, द लायन बिकेम एंग्री, द लायन बिकेम एंग्री, बताओगे कोई बच्चा हिंदी अर्थ इसका, शेर हो गया क्रोधित, गुस्सा, शेर गुस्सा हो गया, शेर क्रोधित हो गया। सेकंड है, लिखो बेटा इसको जल्दी से, फिर सेकंड है, इट वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, इट वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, इट वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, इट वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। कोई बताएगा इसका हिंदी अर्थ क्या हो सकता है, वह सो रहा था, वह सो रहा था अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। फिर थर्ड है, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, देयर वॉज ए लॉयन, देयर वॉज ए लॉयन, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए लॉयन, एक शेर था, ठीक है। तो अब देखो ये घटना कैसी है, आगे पीछे हो रखी है ना, इनको कैसे जमाना है, हमको क्रम से जमाना है, कौन से क्रम में, समय के क्रम में, कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, सबसे पहले कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, आया समझ में, ठीक है। तो ये थर्ड लिख लिया अपन ने, फिर फोर लिखो बच्चों, फिर फोर है, द माउस, द माउस द माउस बिगेन, द माउस बिगेन टू
jump. The mouse began to jump on its body. The mouse बताओ चूहा began to jump. उसने जंप करना शुरू कर दिया, कूदना. जंप क्या होता है? कूदना. चूहे ने कूदना शुरू कर दिया ऑन इट्स बॉडी, उसके शरीर पर. किसके शरीर पर? शेर के शरीर पर. वेरी गुड, है ना. द माउस बिगेन टू जंप. चूहा उछल कूद करने लगा शेर के शरीर पर. ओके फिर फाइव है, फिफ्थ सेंटेंस है. ए माउस केम देयर. ए माउस केम देयर. ए माउस एक चूहा केम देयर वहां आया. वेरी गुड. एक चूहा वहां आया. ठीक है. अब ये कितने सेंटेंस हैं बताओ? पांच. ये कितने सेंटेंस हैं? पांच सेंटेंस हैं. इन पांचों सेंटेंस को हमें क्रम से जमाना है. पहले कौन सा आया होगा, फिर दूसरा नंबर पे कौन सा होगा, तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, चौथे नंबर पे कौन सा होगा और पांचवें नंबर पे कौन सा होगा. कोई बच्चा बता सकता है सबसे पहला कौन सा सेंटेंस होगा? यस साहिल बताओ बेटा. थर्ड वाला. Once upon a time there was a lion. Very good. तो first number किस कौन आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा. Once upon a time there was a lion. Okay, very good. बिल्कुल सही बताया साहिल ने. Clapping करो साहिल के लिए. Yes, sit down साहिल. सेकेंड कौन बताएगा? यस इशिका आप बताओ बेटा. इट वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री. क्या इशिका ने सही बताया है? बिल्कुल सही है. ताली बजाओ इशिका के लिए. बिल्कुल सही है. इट वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री. कौन सो रहा था पेड़ के नीचे? शेर सो रहा था. इशिका वेरी गुड बेटा. सेकेंड है इट वाज sleeping under a tree. वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था. थर्ड कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो. रेज योर हैंड. यस नितेश कुमार. ए माउस कम देयर. ए माउस कम नहीं है नितेश. केम देयर. वेरी गुड. ताली बजाओ नितेश के लिए. एक चूहा वहां आया. नितेश सही बोल रहा है? सब सहमत हो आप लोग? वेरी गुड. थर्ड हो गया ए माउस केम देयर. एक माउस वहां पर आया. फिर फोर्थ नंबर का सेंटेंस कौन बताएगा? यस सन्नो बताएगी. जोर से बोलो. फोर्थ वाला पढ़ के सुनाओ बेटा. इट्स बॉडी. वेरी गुड. चूहा बिगेन टू जंप. उछल कूद करने लगा ऑन इट्स बॉडी. सही बताया सन्नो ने. वेरी गुड. ताली बजाओ सन्नो के लिए. वेरी गुड. द माउस बिगेन टू जंप ऑन इट्स बॉडी. द माउस बिगेन टू जंप ऑन इट्स बॉडी. और पांचवा तो फिर बहुत ही आसान है. कोई भी बता सकता है, है ना. कौन बताएगा? पांचवा. हाँ प्रिया आप बताओ. फर्स्ट लॉयन बिकम एंग. बिकम नहीं है बिकेम. द लॉयन बिकेम एंग्री. बिकम की सेकंड फॉर्म है बेटा ये, है ना. पास्ट पार्टिसिपल. बिकेम बिकेम यानी हो गया. शेर क्रोधित हो गया. वेरी गुड. तो अब क्या आ जाएगा? जो फर्स्ट नंबर का था वो क्या बन गया? पांचवें नंबर का. तो ऐसा नहीं कि भाई फर्स्ट को पांच बना दो. ये तो क्रम से आएंगे, कुछ भी क्रम हो सकता है. ओके तो फिर क्या है? द लॉयन लास्ट में. द
Loin became angry. शेर क्रोधित हो गया. तो देखो आसान था ना, कर लिया ना आप सब लोगों ने. वेरी गुड.